हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ की तरफ से अनाउंस होने वाले फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां पे अनाउंस हुई है डीआरडीओ की तरफ। तो यहां पे दोस्तों क्या पोस्ट रहने वाली है, कितनी वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट का क्राइटेरिया यहां पे क्या फॉलो होगा, सेलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा, सैलरी कितनी मिल जाएगी और इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ फुल डिटेल्स में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपडेट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि एक वॉक इन इंटरव्यू है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो रिसर्च एसोसिएट्स की जो पोस्ट है वो हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे पोस्ट है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी पोस्टिंग होगी वो डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर राजस्थान में होगी, जो कि एक मटेरियल क्लस्टर लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको JRF की पोस्ट के लिए 37,000 पर मंथ मिलेगा और ये 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा इस फेलोशिप का। और इसमें जो है वो आपको SRF के लिए अपग्रेड किया जाएगा एज पर रूल्स, और आपकी ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 2 साल जो है वो 2 साल से भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब दोस्तों जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के से गुजरना पड़ेगा, जो कि डिफेंस लेबोरेटरी डॉक्टर DS कोठारी मार्ग, रतनाड़ा पैलेस, रतनाड़ा जोधपुर 342011 राजस्थान में होगा, सुबह 10 बजे ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू मेंशन्ड बिलो। अब सभी पोस्ट के लिए जो भी पोस्ट हैं और जिसमें जो भी डिसिप्लिन्स हैं उसके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आपको मिलेगी, और उसकी वॉक इन जो डेट है इंटरव्यू की वो भी यहाँ पे अलग अलग रहने वाली है। अब पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट पोस्ट है वो है JRF इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें 4 पोजिशंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए BBTech, यानी BBTech आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट या फिर गेट क्वालिफिकेशन। और आपको एक ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यानी MEMTech किया है इन प्रोफेशनल कोर्सेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। अब इसकी वॉक इन डेट जो है वो 19 जून 2024 रहने वाली है JRF इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सेकंड है आपकी JRF केमिस्ट्री केमिकल मटेरियल साइंस के लिए, जिसमें 2 पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपका MSc या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए केमिस्ट्री में विद फर्स्ट डिवीजन एंड नेट क्वालिफिकेशन कंडक्टेड बाई CSIR, UGC नेट या फिर MHRD गेट और JES। इसी के साथ साथ आपको 2 और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है यानी BBTech किया है केमिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस पॉलीमर साइंस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट गेट क्वालिफिकेशन, तो आप यहां पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और एक अनदर ऑप्शन यहां पे आपका है कि अगर आपने MEMTech किया है केमिकल इंजीनियरिंग यानी इन्हीं कोर्सेज में इन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो भी आप यहां पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो वॉक इन डेट है वो है 20 जून 2024 यानी उसी के अगले दिन। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट JRF फिजिक्स के लिए, जिसमें 3 पोजीशंस अवेलेबल है, उसमें आपका MSc या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए इन फिजिक्स विद फर्स्ट डिवीजन एंड नेट क्वालिफिकेशन कंडक्टेड बाय UGC नेट MHRD गेट और JES। इसकी डेट है 21 जून 2024। और एक है यहाँ पे JRF मैकेनिकल के लिए, उसके लिए यहाँ पे 1 पोजीशन अवेलेबल है, तो BBTech अगर आपका मैकेनिकल में है इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट गेट क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें एलिजिबल हो। साथ ही साथ इसमें एक और ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आपने MEMTech किया है इसी प्रोफेशनल कोर्स इन मैकेनिकल में इन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसकी भी जो वॉक इन डेट है वो भी यहाँ पे 21 जून रहने वाली है। तो दोस्तों सेलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता लग गया है कि इसमें वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा।
अब यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपकी एज लिमिट जो है वो 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जेआरएफ की पोस्ट के लिए। और ऑन द डेट ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, तो जो भी इंटरव्यू की डेट है उस डेट तक आपकी एज जो है वो 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इट में प्लीज बी नोटेड दैट ऑफर ऑफ फेलोशिप डज नॉट कन्फर ऑन फेलोशिप एनी राइट फॉर एब्जॉर्प्शन इन डीआरडीओ। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपका फेलोशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो कोई भी ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब डीआरडीओ में मिल जाएगी। तो ये बात आपको इसमें ध्यान में रखने जैसी है। तो दोस्तों इसमें तो एग्जाम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी जो है वो वैकेंसीज निकलती है जिसमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप हमारे अल्टीमेट कॉम्बो पैकेज में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपका ऑल इन वन नोट्स और तैयारी का बूस्टर दोनों का ये कॉम्बो आपको मिलेगा, जिसमें पूरा कॉन्टेंट आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे ऑलमोस्ट सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो इसकी लिंक आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो। और इस अपडेट के लिए अगर आप और भी डिटेल्स चाहते हो, और भी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके इसकी फुल डिटेल्स भी आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो इस अपडेट के रिगार्डिंग थी। आई होप कि आपको इसमें सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।